दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि पत्थर चट्टा के सिर्फ 3 पत्ते से पथरी गायब हो जाएगी। हाँ, आपने एकदम सही सुना, पत्थर चट्टा के 3 पत्ते से पथरी आपकी गायब हो जाएगी। चाहे कितनी सी कितनी पुरानी पथरी हो, शरीर में कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ मेरे पास 3 पत्ते हैं पत्थर चट्टा के। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन 3 पत्तों से, जो पत्थर चट्टा के पत्ते हैं, इनसे किस प्रकार से पथरी शरीर से गायब होगी। तो आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पथरी कैसे गायब होगी शरीर से, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा। आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। यदि आप बीच में कहीं भी वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और इस लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। तो मेरे पास हैं पत्थर चट्टा के 3 पत्ते। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन 3 पत्तों से कैसे शरीर के अंदर से पथरी को गायब करना है। चाहे वो 20 mm की हो, चाहे 15 mm की हो, चाहे 10 mm की हो, कितनी भी पुरानी से पुरानी पथरी हो, उस को शरीर से निकलना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन 3 पत्तों से कैसे पथरी शरीर से बाहर निकलेगी गल के। तो ये मेरे पास 3 पत्ते हैं किसके, पत्थर चट्टा के। इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए कि बहुत मोटे इनके पत्ते होते हैं, और ये देख लीजिए, है ना। और एक ये पत्ता है, इसको मैं सीधा कर रहा था थोड़ा, ये बीच में इतने मोटे पत्ते रहते हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करके मैं आपको इनके कैसे उपयोग करना बता। आपको सबसे पहले पत्थर चट्टा के 3 पत्ते लेना है, और एक नारियल पानी लेना है, नारियल पूरा पूरा का पूरा लेना है, और उसमें नारियल पानी रहना चाहिए, ठीक। और आपको 2 नींबू लेना है, आपको सिर्फ 2 नींबू लेना है, 3 पत्ते लेना है, एक नारियल पानी लेना है। तो नारियल पानी में आपको क्या करना है, नारियल पानी में 2 नींबू को काटना है, और काटने के बाद उसके रस को निकाल के, नींबू के रस को निकाल के क्या करना है, आपको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद उस नारियल पानी में डालना है आपको। जब दोनों नींबूओं का रस उस नारियल पानी में निचोड़ जाए, तो इन 3 पत्तों को अब आप लोगों को उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है, इन 3 पत्तों की चटनी बनाना है। ऐसे टमाटर की चटनी बनाते हैं, धनिया की चटनी बनाते हैं, वो आप लोगों को पता है कैसे चटनी बनाते हैं, एक बार मैंने आपको बता दिया। तो इन 3 पत्तों की चटनी बनाना है, इन 3 पत्तों की चटनी बना के और उसी नारियल पानी के साथ इसका सेवन करना है। ऐसा आपको नित्य नियम करना, मतलब प्रतिदिन करना, एक भी दिन मिस नहीं करना। यदि आप लोग एक भी दिन इसको छोड़ देते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दिन आपको इस प्रयोग को नहीं रोकना है, किसी भी हालत में। आपको एक नारियल लगेगा, नारियल पानी, 2 नींबू और ये 3 पत्थरचट्टा के पत्ते, इनसे आप इनको नित्य नियम डेली प्रयोग करना, रोज प्रयोग करना, एक भी दिन आपको नहीं छोड़ना है। यदि आप एक भी दिन छोड़ देंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको यदि शरीर के किसी भी अंग में, कहीं भी किसी भी कोने में पथरी है, पथरी की शिकायत है, तो आपको इन 3 पत्थरचट्टों के माध्यम से इसकी चटनी बना के, और एक नारियल पानी लेके, 2 नींबू लेके, ये सब प्रयोग करने के बाद आप नित्य नियम से करते हैं तो 100% गारंटी है, क्योंकि यह कई लोगों के ऊपर प्रयोग की गई है। इन 3 पत्तों से और नारियल पानी, 2 नींबू वाले ये जो प्रयोग है, कई लोगों के ऊपर किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है। उसके बाद मैं आप लोगों को यह उपाय बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से इस प्रयोग को करिएगा, आप लोगों को 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बहुत से सारे लोगों को 32 mm तक की पथरी इस प्रयोग के माध्यम से शरीर से गल कर निकल चुकी है। तो मेरी इस वीडियो को आप लोग गौर से सुनिएगा और देखिएगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या लगेगा इन 3 पत्तों के साथ, ये जो पत्थर चट्टा के पत्ते हैं इनके साथ लगेगा। आपको एक नारियल पानी, 2 नींबू लगेगा आपको,
और ये तीन पत्ते लगेंगे पत्थरचट्टा के। तो इन तीन पत्तों को क्या करना है, आपको चटनी बनाकर रख लेना है, और दो नींबू जो आप लोग मार्केट से लाएंगे और नारियल पानी में निचोड़ देना, उनका रस निकाल के नारियल पानी में डालना और उस नारियल पानी के साथ इसकी चटनी को सेवन करना। ऐसा आपको जब तक करना है जब तक आपके शरीर से पथरी पूरी तरह से ना निकल जाए। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।